भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। ओहो हैला गे चूड़िया बहुत मजा आया। हाँ पर एक बात बताओ, तुमने मुझे कहा था एक ऐसे मेले में ले जा रहा हूँ जो सबसे अलग है, सबसे हटके, लेकिन ये तो नॉर्मल मेले जैसा ही है, वही दुकानें वही खेल, अलग क्या है? अलग मैं हूँ। भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे, भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। पाया लागू भाभी, भैया घर पे नहीं है क्या? भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। समझो? अरे 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 अरे, ये आ गया। ये क्या चीज है? ये ना चीज है। हाँ नहीं नहीं, पापा पापा पा, प्रीतम भैया हैं ये। प्रीतम भैया? हाँ प्रीतम। वो वाला प्रीतम? कौन सा वाला प्रीतम? वही। अरे नहीं भैया, क्या करे, भाभियों वाला। हाँ सही पहचाना। अरे कैसे, भैया से मिल लो। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। अरे मुझे भी सुंदर लड़कियों को मिलके बड़ी खुशी होती है। अरे तुम, बहुत सुना है आपके बारे में। हाँ, क्या सुना है? कि तुम बड़े चीप हो। मतलब भैया मैं ये बताना चाहता था कि ये बड़ी प्यारी है पर हमारी है। कोई बात नहीं, आज हमारे साथ है, कोई बात नहीं। मैं आपके दोनों के बीच में आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसे मेंटेन करेंगे डिस्टेंस एकदम। अगर ऐसी बात है तो फिर जोरदार तालियां हो जाए संगीता और मनीष के लिए। मेला घूम लिया, कैसा लगा? बढ़िया लगा। अच्छा तो एक काम करते हैं, बैठ के बातें करते हैं, बड़ा मजा आएगा। यस आइए प्लीज। ला 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 ला। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं भाभी के बोल प्रीतम बकलोल। बातें करनी थी ना हमें? जी बातें तो करनी है। आई हो यहाँ पर, इनको ले आई हो। अब कोई बात नहीं। लॉलीपॉप। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ ये नीचे गिर गया था। मैंने साफ किया है। इसे गिरी हुई चीजें पसंद नहीं है। वही तुम कैसे पसंद आए? अब ना ना नसीब है भैया। हाँ दूसरा ले ले। दूसरा? चलो एक काम करता हूँ, मैं दूसरी दे देता हूँ। कौन सा कलर लोगी? पिंक। पिंक फ्लेवर पसंद है? ठीक है ये लो, ये लो। भैया बातचीत की बात हुई थी, यहाँ बात कम हो रहा है, चीट ज्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं, वक्त के साथ हम चित कर देंगे, डोंट वरी। ओके वैसे आप दोनों आए हैं, क्या बात है, कभी आप हमको, कभी हम इस मेले को, कभी मैं तुम्हें देखता हूँ। चलो छोड़ो यार, ये बताओ कैसा लग रहा है तुमको मुझे सामने देख करके? बहुत अच्छा है ना? प्रीतम 12 से 2। हाँ हाँ, जब मनीष घर पे नहीं होते तो हम होते हैं। ओ ये डे शो था, मुझे लगा हमेशा रात में चलता होगा। मैं डर गया, मुझे लगा मारेगा। ऑल राइट सो मनीष, आपके बारे में पता चला है, जैसे आप हार्ट थ्रॉप हो, जैसे किशन कन्हैया हो, जैसे मन मोह लेते हो, ऐसे बहुत सारियों का मन मोहा, और आपका नाम जो है जोड़ा गया किसी एक एक्ट्रेस, किसी एक दोस्त के साथ। यार मीडिया इज ऑलवेज गॉट इट रॉन्ग, कभी भी सही नाम छापा ही नहीं है। तो आज सच बता दो मनीष। वही सच ये था कि इसके साथ 2 साल तक वी वर टुगेदर, एंड हम दोनों के बारे में फॉर्चुनेटली कुछ नहीं छपा। अच्छा। बट जो जितने मीडिया के पास जितने नाम गए हैं सब गलत गए हैं, सारे नाम गलत रहे हैं हमेशा। So yeah, it has been a little crazy ride. So yeah. सही नाम आज बता दो। ये रे यार सही नाम, एक सही नाम था, वो शादी कर ली मैंने, खत्म बात यार। नहीं नहीं मैंने सुना तुम्हारा हर किसी के साथ नाम जुड़ जाता था। बहुत जुड़ता है। कौन था, किस किस साथ जुड़ा? So अभी एक लेटेस्ट आर्टिकल छपा था कि अविका एंड आई हैव
चाइल्ड जो हम लोग सीक्रेट चाइल्ड जो हम लोगों ने छुपा रखा है एंड आज तक हम वो बच्चे को ढूंढ रहे हैं कि कब हुआ कहाँ छुपा कुछ आइडिया नहीं है बट या आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट एपिसोड आर्टिकल्स जो हमारे बारे में छपा था एंड राधा अभी शादी की खबरें तो अभी तक छपती रहती हैं अभी संबंध कॉल फ्रॉम गुजरात की अरे तू फिर से शादी कर रहा है अभी इस बार वापस अविका के साथ मैंने कहा यार ये क्या चक्कर क्या है आई डोंट नो संगीता क्या रिएक्ट किया संगीता जब तुमने अखबार पढ़ा ये खबर आई तो व्हाट वाज योर रिएक्शन के गिर गए ये पैंडेमिक में खबर अभी अभी कुछ झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए ये न्यूज पढ़ रहे थे नहीं तब तक मैं झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करता था वो खबर छपने के बाद ये सारे काम मैं ही करता था किसी दिन वो बच्चा आ जाए पापा मनीष पापा उन लोगों की साइड में बैठ तेरे को भी झाड़ू पोछा करना है एक बार भाई की छुट्टी हो जाएगी मैंने सुना है बड़ी मस्तियां कर तो फंस भी जाता है भाई फंस जाता है कैसे फंसता भी है कुछ ऐसी अतरंगी मस्ती हमारा सुबह सुबह ऐसे होता है कि अगर ये मैसेज पहले उठ जाती है जैसे सडनली देखेगी मिरर में कि अगर मैं उठ गया शिट उठ गया भागो गेट आउट ऑफ द रूम ये एक मिनट ये उठ गया का मतलब ये क्या करने वाला उठ के जब तुम उठ के भाग जाती हो है रीत खुल गई इसकी है रावण कहीं का डेमो दे नहीं छोड़ेगा बोली डेमो दे दो कैसे मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ भाई सुबह मनीष भाई क्या मूवमेंट क्या होता है या मनीष भाई आप करके देखो मैं संगीता क्या हुआ क्या कितना घूम रहा है यार प्रॉब्लम क्या है बैठ एक जगह पे एंड देन हाउ इज इट शो शो ओके दैट्स व्हाट आई डू Not bad. कर लिया तुमने. है ना? हाँ. थोड़ा सटल किया ये ज़्यादा करता सटल किया ये तो उछलते हैं उछलते बट ये अच्छा था बेड से उड़ गई हूँ ये ना उड़ जाए हे भगवान ये सोए रहे सो कुछ चीज़ी लाइंस जो शादी से पहले अमूमन लड़कों ने मारी हो आपको मतलब शादी के पहले कितने समय का जो है एक रिलेशनशिप था इनके साथ दो सवा दो ढाई साल बड़े 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 मरे मन से कहा दो सवा दो नहीं नहीं आप मुझे लगा चीजी लाइंस के बारे में क्या मेरा दिमाग वहां अटक गया अच्छा चलो कोई बात नहीं लेकिन वो एक चीजी लाइन जो कहा हो कहा यार ये इतनी घटिया लाइन मारी है लड़के ने अमूमन लड़कियों को लड़के मार देते हैं आई वांट टू डू फ्रेंडशिप विद यू बेबी दैट्स गॉड फॉर अ कप ऑफ कॉफी नहीं हुआ था हमारी पहली मुलाकात और पहली लाइन बताओ क्या थी क्या चीजीएस्ट लाइन एवर क्या था यार एक्चुअली हम लोग है ना शो पे मिले थे हाँ. लेकिन वहाँ नहीं मिले थे बिकॉज शी इज़ वेरी क्वाइट एंड आई एम टू लाउड तो उस नॉइज में बेचारी कहीं खो गई तो देन वी मेट दिखाई ही नहीं थी एंड एक्चुअली आई नेवर सॉ हर ऑन द शो ऐसा मुझे ऐसा आई डिडंट गेट इट सो हम लोग फिर सुचिता मैम है सुचिता पिल्ले मैम उनके एक पार्टी में मिले एंड उन्होंने मुझे बुला लिया अभी मैं किसी को जानता नहीं था बेचारिया हर जगह पर मुझे लेके घूम रही थी एंड देन दीज गाइज केम तो मैंने कहा चल इनके साथ चिल मार दो तो फिर इनके साथ चिल मारने गया तो ये बहुत रिजर्व टाइप की लड़की है बात नहीं करती है हाँ लाइन आएगी ना हाँ आ रही है हाँ तो बहुत एकदम रिजर्व टाइप है बात नहीं कर रही है तो मैंने कहा यार इसको खोलने के लिए लाइक कुछ तो ऐसे करना चाहिए तो मैंने कहा एक काम कर ये ले ड्रिंक पकड़ और बाहर लेके गया इसको मैंने कहा बाहर बैठ आओ बहन चुगली करें मुझे क्या मैंने चल तेरे लाइफ के कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में बात करते खत्म वहाँ से जो लड़की शुरू हुई आज तक बंद नहीं हुई है क्या बात कर रही है दैट्स द लाइन आओ बहन चुगली करें इज द फर्स्ट चीज़ी लाइन आई मारो टू हर क्या बात है इस चक्कर में लड़की जो है सीधा पार्टी से बालकनी में आ जाती बात कर यार मैं क्या ये जैसे आपका वार्निंग है मेरे लिए भी ऐसे वार्निंग बजवा दो कुछ ये मेरी बीवी है मैं जब भी फोन लगाता हूँ मतलब जब भी डिस्कस करता हूँ आ जाती पता नहीं कहाँ से हेलो बेबी कैसी हो जानते हो ना हमको सब पता है तुम घर जल्दी आओ तुम्हारी चोट पर मरहम लगाना है हाँ ठीक है घर जल्दी आते हैं और सुनो हाँ अब तुम सोच रहे चोट तो लगी नहीं है हाँ तो तुम घर भी तो नहीं पहुँचे हो देखो सिंह सरनेम है तो खुद को शेर ना समझो समझे अगर तुम शेर हो तो हम भी सर्कस के रिंग मास्टर हैं
संगीता को फोन दो। फोन लाउड स्पीकर पे ही है बेबी, बोलो क्या बोलना है। हेलो सखी सुनो। हाँ सुन रही हूँ। देखो तुम तो एक शरीफ आदमी से शादी किए हो जो बात बात पे बदनाम होता है, पर हम तो ऐसा शादी किए आदमी से कि वो बिना ही नाम के बदनाम होता है। क्योंकि उसका नाम है प्रीतम है और हरकतें सारी हिंदी फिल्म के विलन वाली। अरे सुनो हमारा एक काम तो कर दो बहन। बोलो बोलो। वो उठा के वो सामने एक टेबल रखी है, वो उठा के इनका सर में दही मारो, अकल ठिकाने आ जाएगा इनका। अच्छा समझे। समझ गए अभी करते हैं। अरे वो हिंसा की पुजारण ये सब क्या फालतू टिप्स दे रही हो तुम? साहब उसकी एक्शन फिल्में देखकर किसका पूरा दिमाग खराब हो गया है? फोन काटो, धार्मिक फिल्में देखा करो, पति राम होता है पागल। सॉरी डिस्टर्ब। देखो ये होता है जब कोऑर्डिनेशन ना हो, कंफ्यूजन। लेकिन आप में तो कोऑर्डिनेशन है, बहुत तगड़े वाला है शायद। उसका ध्यान कहीं और है। अभी तक तो लग नहीं रहा ऐसा। वो ऑलरेडी गिव अप मार चुकी है कि अभी पता नहीं क्या होने वाला हमारे साथ। सो इस कोऑर्डिनेशन के चलते जो हमने भी कोऑर्डिनेशन वाली गेम बनाई है, तो दोनों को अपनी पीठ लगा के रखनी है एक दूसरे के साथ और बीच में होगा बलून। ओके वो बलून को ले जाना है वहां उस टोकरी के पास और पीठ से ही धक्का देते हुए बलून टोकरी के अंदर। चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। इस गेम को कहते हैं कोऑर्डिनेशन गेम। तो चलिए खेलते हैं खेल हटके भाभी के झटके। सुनो बेबी मैं चाहता नहीं कि तुम इतना चिपको इसके साथ। अच्छा हाँ। पहला बलून जो है वो मैं रखूंगा okay. क्योंकि हेल्प कर रहा हूँ okay. बाकी आपको करना है। ठीक है चलो। ठीक है रेडी। ए ए ए हाँ देखो okay. चलिए योर गेम स्टार्ट नाउ। वन टू आराम से 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 आजा। नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड। चलो कम इसको थोड़ा नीचे ही रखते हैं। हाँ पीठ पे पीठ पे पीठ पे पीछे तो है। वे कहाँ गया? गया। ओह आजा। नॉट बैड नॉट बैड। कम 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 कम। ये दो अच्छा, दो 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 दो। अरे अरे पलट दे दो। पहले पलट दे उसको पलट दे। ये नॉट नाइन कम भाई माइंड ब्लोइंग। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। थैंक यू। वाओ आपका कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया है, आपका रिश्ता जो है सदियों तक चलेगा। थैंक यू। और तुम्हें तो भूल भैया हाँ। और गिफ्ट नहीं आ रही है, आपने हाथ मिलाया आगे। आओ बैठ के बातें करें चले। मुझे पसंद नहीं आ रहा आदमी ये। मैं जा रही है बस। अरे ये भाई है या भाभी है? भाई है। भाई है। अरे बैठिए बहन। हाय निकलो यहां से तू प्लीज। ये आपके रिश्तेदार? मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा, चलो यहां से निकलो। अरे आप हमें नौकरी से क्या निकालेंगे साहब जी, हम आपको अपना मालिक होने से निकालते हैं। बे फालतू डायलॉग मत मारो, चलो नौकरी से नहीं मेले से निकाल रहे हैं, चलो मेले से बाहर निकलो। अरे चले जाएंगे एक बार, ये हमें लेके तो जाएं। अरे मत ले जाना। मैंने कहा मैं लेना छोड़ चुका हूँ। लेना लेना इतना पचर पचर करती दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। नींद में ही बोलती रहती है ऐसा। आप मेरे बारे में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलने का, और मैं नींद में बिल्कुल भी नहीं बोलती है। चाहे तो
मनीष बाबू से पूछ लो। मनीष ये वो भाई है जिसे बोल देना चाहिए भाई कला। भाई कला। ओ भाई कला ना, बकवास सुनो इसकी। वाह ये क्या बात हुई? क्या बात हुई? देखो पिछले हफ्ते 3 दिन छुट्टी मारी थी इसने, लास्ट और बताया तक नहीं, लास्ट टाइम तक बताया नहीं इसने कि देवा रे देवा, मैंने फेसबुक में अपडेट डाला था और पता 3 दिन के लिए गांव जा रही है, और मैडम ने देख के उसमें कमेंट भी किया था कि सुख रहे कि तुम्हारे साहब की 3 दिन शूटिंग नहीं है, हैशटैग मिस यू। पता है संगीता मैडम, एक दिन मैडम ने लॉकडाउन में वीडियो कॉल की और कहती इस बार जब तू आएगी तो तेरी पगार दुगनी कर देंगे, पर बस तुझे अपने साहब की तरह रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के हर कोने में पोछा लगाना पड़ेगा। ए, तेरी दीदी कम थी क्या जो तू भी बेइज्जती करने आ गई मेरी? चलो ऐसे चलो बाहर निकलो, चले जाएंगे, वरना मैं लुच्चे को बुला लूंगा। नहीं नहीं जाती हूँ जाती हूँ। साला तू लुच्चा, जीजा भी तुच्चा। मैं इंडिया नौकरी छोड़ना चाहती है, मेरा ईमेल फोन नंबर सब कुछ है, कॉल मी। हाँ कॉलर? हाँ हाँ मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना। हाँ भैया ये क्या चक्कर था? ये मुझे बात घरेलू है, घर में रह जाए बेटर है। तो यार वो जो अंदाज था प्रपोज का, जाहिर बात है तुमने बता दिया किस तरह का प्रपोजल था, कोनी मारते हुए तुम बाहर ले गया बालकनी से, लेकिन एक एक होता है ना एक ऑफिशियल प्रपोजल, एक लड़की को बोलने का तरीका, एक अंदाज। मनीष ये तो तुमने की नहीं किया ना? किया क्या? खतरनाक हुआ था वो भी। वो क्या हुआ था? प्लीज मैं चाहता हूँ वो मोमेंट हम क्रिएट करें, रिक्रिएट करें। नहीं 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 प्लीज, बहुत मजा आएगा मनीष, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं उससे पता चल जाएगा कितनी रोमांटिक है, थोड़ा माहौल बन जाएगा। ये वो बहू है जो वो लोटा रखते हैं ना जैसे चावल गिराने के लिए, उसको लात मारती फुटबॉल की तरह, ये वैसी टाइप की बहू है जिसने मेरे ये क्या रखा हुआ है? नहीं नहीं ये लो गोल, ये सवाल मिलता जुलता नहीं था। हां वो ये क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? लेकिन क्या प्लीज मैं चाहता हूं कि वो पहला दिन जब इसने तुम्हें प्रपोज किया, आओ सामने मजा आ जाएगा। ओके मैं देखना चाहता हूं बराबर वही एक्शंस करूं। मैं तो करने के लिए तैयार हूं, अभी तैयार हूं, है ना। तो हुआ ये था कि हमें कभी फॉर्मल प्रपोजल का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि ऐसे लॉकडाउन वाली शादी थी। तो मैंने फर्स्ट नाइट को ही ना पूरा रूम, जैसे ये बाथरूम में नहाने के लिए गई, मैंने पूरा इसको लगता है एक आध घंटा लगता है, तो पूरा ऐसे वो 5 minutes I was surprised, 5 minutes में कैसे किया इन्होंने। सो पूरे कैंडल्स वगैरह डेकोरेट सब चीजें सेटअप हो गया, पूरा प्रपोजल का माहौल, कैंडल लाइट एवरीथिंग इन द रूम, और लंबा सा ऐसे पैसेज बना दिया कैंडल्स का, और मैं यहाँ पे ऐसे घुटने पे बैठा अपना वो जो व्हाटएवर रिंग का डब्बा खोल के ऐसे वेट कर रहा हूँ। ये उधर से बाथरूम से आती है और पहला रिएक्शन, लाउड रिएक्शन अच्छे से जैसे दिया था उस दिन। ओके ओके बन गया। ये सब क्या है? तो ये था नहीं 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 मेरा मेरा वो मतलब नहीं था, क्या मतलब रोमांस? ओह व्हाट डिड यू डू ऑल दिस? बेबी रोमांस रोमांस इट्स ओके। हमारा ये था हमारा प्रपोजल जिसका 1 सेकंड में सत्यानाश कर दिया। सुन रही हो? मैं तो पहले से जानता था ये मनीष है, फिसल जाएगा, अखबारों में जो खबरें आ रही है सही है यार, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत बढ़िया मोमेंट था यार, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो हिंदुस्तान जो है किससे कहानियों का देश है, यहाँ पर कोई किसी से प्यार करता है तो बिल्कुल बेशुमार प्यार करता है, और टीवी एक्टर स्टार जिस तरह के आप लोग हैं, आपसे तो आपके तो फैन माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं, पूरे हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो है किसी एक फैन को आपसे जोड़ते हैं वाया वीडियो कॉल। आइए देखते हैं। यस अब आगे देखिए फैंस का मेला, बातों का खेला। हेलो नमस्कार, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आदित्य मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी आदित्य बताइए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। महेश जी और संगीता जी मैं आपका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, देख के लग तो नहीं रहा, और आपकी जोड़ी तो बहुत ज्यादा ही प्यारी है सच्ची में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रीतम जी आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, काफी काफी मजेदार है।
थैंक यू। हाँ, ये जो तुमने लाइन कही ज्यादा अच्छी है। और हाँ संगीता जी, मुझे आपके लिए एक सवाल है। मुझसे? हाँ पूछिए। हाँ हाँ, अगर कभी आपने देखा कि मतलब मनीष जी किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन क्या होगा? हाँ। कुछ नहीं, मैं सामने जाके खड़ी हो जाऊंगी। अच्छा, बोलूंगी कंटिन्यू। अच्छा, कंटिन्यू भी बोलेंगी? हाँ, कि मुझे पता है उसके बाद कंटिन्यू नहीं होने वाला कुछ। हाँ। फिर घर ले जाऊंगी और फिर वीडियो गेम खेलूंगी, उसके बाद यही टेबल उठा के सर पे पटक दूंगी। उस दिन घर में कपड़े नहीं धुलेंगे, धुलूंगा मैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। Thank you so much for having us over. It was so much fun. बड़ा अच्छा लगा आप दोनों यहाँ पर आए। क्या है कि यहाँ पर जो है हमारे शो पे एक परंपरा, एक रीत है जो हम अमूमन करते हैं, तो मैं कर दूं? ऑल राइट, एक मिनट। ये बुनाई की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है जो आपको जाता है। थैंक यू सो मच बुनाई। सो बड़ा मजा आया, ये लोग आए, ढेर सारी बातें हुई, घर जाके पता चलेगा मनीष का क्या हाल होगा। आप भी अपने पति पर, अपने देवर पर नजर जरूर रखिए और कोशिश करिए कि शो रोज देखें। शो का नाम तो आपको पता ही होगा, भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। अरे एक बार तुम अपने मुंह से बोलो ना, भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे, भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। चलो मेला घुमा देता हूँ, तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। आओ भैया भाभी, चलो। भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।